नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ सौम्या शर्मा। आज जिस वैकेंसीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो निकाली गई हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, करीब 492 यानी कि 500 के आसपास लगभग ये वैकेंसी हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में अपना करियर बनाना तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 492 यानी कि लगभग 500 के वैकेंसी निकली हैं और इसमें जो पोस्ट हैं वो है स्टोर असिस्टेंट की, ऑफिस असिस्टेंट की, असिस्टेंट प्रोग्रामर की भी वैकेंसी है और इसके साथ साथ लीगल असिस्टेंट की भी ज़रूरत है इनको। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है, जूनियर इंजीनियर है और इसके साथ साथ फायर इंस्पेक्टर और आर्किटेक्ट असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकली है। तो ये सभी पोस्ट हैं और अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो आपको ये जो 492 वैकेंसी निकली है इनके बारे में आपको पता लग जाएगा कि और कौन कौन सी छोटी या बड़ी पोस्ट निकाली गई हैं। 14 तारीख को यानी कि 14 को इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 जनवरी 2020 है, यानी आने वाला अगला साल जनवरी की 13 तारीख तक अगर आप चाहते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताते हैं कि एज का स्केल क्या तय किया गया है। तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज इसकी पोस्ट कोड के लिए 28 रखी गई है और बाकी जितनी वैकेंसीज़ बची हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो तय की गई है वो 30 है, यानी कि 18 से 30 इसका एज स्केल तय किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ़ी का स्ट्रक्चर 500 यानी कि 500 है। इसके साथ ही जो हमारी बाकी की कैटेगरी हैं एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी, इसके लिए 250 रुपये यानी कि 250 इसकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए यानी कि अगर फीमेल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ठीक आधी यानी कि 250 रखी गई है, 250 है। अब आपको बताते हैं कि क्वालिफ़िकेशन का क्या स्ट्रक्चर तय किया गया है। तो अगर आप इंजीनियर डिग्री अपने पास रखते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ अगर आप बीई और बीटेक कर चुके हैं तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री है, सीए या आईसीडब्ल्यू आप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके साथ साथ अगर आप एलएलबी यानी कि लॉ की डिग्री अपने पास रखते हैं तो भी आप इनमें से जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो आपको सभी कैटेगरी यानी कि सभी वैकेंसीज़ के लिए और उन वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपके पास, अगर आप बैचलर हैं, मास्टर हैं, बीटेक कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं या इसके साथ साथ आप सीए और आईसीडब्ल्यू भी कर चुके हैं तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाइए और इसकी वैकेंसीज़ को चेक करिए और किस वैकेंसी के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप आईटीआई हैं इसके रिलेटेड ट्रेड में तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि किस वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी कर 492 यानी कि 492 वैकेंसीज़ के बारे में बताया है। इसमें स्टोर असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर है, जूनियर इंजीनियर है, फायर इंस्पेक्टर है और इसके साथ साथ आर्किटेक्ट असिस्टेंट की भी इनको ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रखा गया है और बाकी की जितनी हमारी कैटेगरी हैं, और अगर फीमेल इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 250 यानी कि 250 फ़ी का स्ट्रक्चर तय किया गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 13 जनवरी। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है आपके पास, मुश्किल से 15 दिन है आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 13 तारीख, आने वाले अगले साल की 13 तारीख जनवरी तक अगर आप चाहते हैं तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करिए। जो एज का स्केल तय किया गया है वो 18 से 28 है, यानी कि मिनिमम एज इसकी 18 है और पोस्ट कोड के लिए इसकी जो एज स्केल है वो 28 है और बाकी की कैटेगरी के लिए जो एज स्केल है वो 30 है। ऐसी ही जो सेंट्रल और स्टेट की तरफ से वैकेंसीज निकलती रहेंगी हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एमपी तक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।